उसके बाद जो है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आपसे कहता है कि भाई अभी आपको जो है एक पूरी सेना है रिपोर्टर्स की जर्नलिस्ट की उनसे आपको मुखातिब होना है बातचीत बातचीत करनी है तो पहला थॉट क्या आता है मन में बी ऑनेस्ट मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ये सवाल पूछते हो आपके मन में क्या थॉट है कि आपको आगे लेने नहीं गए इंटरव्यू <laughs> आपका क्या चल रहा <laughs> स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आप ही को मना कर देगा अगली बार मुझसे तो फिर भी करवा लेंगे इसको नहीं बुला मतलब आ, क्योंकि वही मैं बोल रहा था पहले भी एक नहीं है एट द एंड मजा आता है मतलब मजा आ रहा है में ऐसा कोई काम तो आराम से मुझे भी कुछ कुछ चीजें ऐसी याद आ रही है क्वेश्चन के साथ साथ कि मैंने इस को बनाते हुए करा था वो करा था तो हाँ. ठीक है अच्छा लग रहा है बाकी इसके लिए भी प्रिपरेशन करते प्रेप हैं क्या 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 सवाल पूछे जा सकते हैं मुझसे बिल्कुल नहीं सर बस ये तो ये ये क्या ये मुझसे पूछा जा सकता है कुछ ऐसा है नहीं सर क्या पूछ लोगे मुझसे ऐसा जो मुझे नहीं पता होगा मेरे बारे में फिर मैं हुई आदमी किस बात का हूँ <laughs> मैं वो राइटर हूँ जो अपने बारे में सुबह शाम लिखता हूँ क्या ही पूछ लोगे मुझसे ऐसा जो मुझे नहीं पता होगा सही बात है अच्छा बसी भाई इससे पहले की कॉन्वर्सेशन में आगे बढ़े मैं आपका सेटअप देख रहा हूँ बड़ा ही खूबसूरत सेटअप है पीछे मैं स्निकर्स देख रहा हूँ यार जबरदस्त एक दो तीन चार एक दो तीन चार पांच छह सात आठ मतलब कुछ बत्तीस स्निकर्स तो दिख ही रहे दे� हैं मोटा मोटा

मुझे ट्रेविस क्योंकि वो बस वो इतना मुझे लोगों ने ही बोल दिया पहनने का ट्राविस कौर, ट्राविस कौर, तो मुझे मुझे उतना पता है बस बाकी मुझे कुछ नहीं पता जूते पहन मुझे अच्छा लगता है जूते पहनना तो मैं ले लेता हूँ फिर कुछ नहीं तो मतलब आप एकदम आम बायर हो मतलब ये पसंद आ रहा है ले लो ज्यादा उसमें सोचना नहीं है

तो किसी यंग बच्चे के सामने मैंने कुछ उन्नीस बीस साल का एक आया था शो में शो के बाद उसने मुझे कुछ फैंसी सा नाम बताया उसने मैं भूल भी गया तुरंत उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने टशन दिखाने के लिए बोला मैंने कहा यूनिवर्सिटी ब्लू उसने मुझसे कहा ये यूनिवर्सिटी ब्लू नहीं है मैंने कहा तो नहीं पता ये कौन से फोटो खींच जा <laughs> उस दिन भी से से मैंने कोशिश नहीं नहीं मैं मना कर देता तो मुझे पता कौन <laughs> अच्छा ऑडियंस से मुझे एक चीज आपसे पूछनी थी जो आप बहुत बखूबी करते हो इनफैक्ट बहुत सारे स्टैंड अप अपमिक्स को हम ये करते हुए देखते हैं वो है क्राउड वर्क मतलब आप जाते हो क्राउड में माहौल बनाते हो और बहुत सारे ज्ञानी लोग भी बैठे होते हैं जो यही सोच के आते हैं कि इसको कैसे मतलब यू नो पंबल करवा दें या इसको इसी की बातों में फंसा दें तो सर क्या स्ट्रैटेजी क्या है हाउ टू डील क्राउड मैनेज कैसे करते हो स्ट्रेटेजी सर ऐसा कुछ नहीं है आपको बता दो जो जहां से ये सब सीखने को मिलता है ना वो है दिल्ली गुड़गांव के ऑडियंस खुद से आप आप स्टार्ट स्टार्ट करते हो और आप दिल्ली गुड़गांव के ऑडियंस में करते हो तो आपको एक ऑटोमेटिकली एक थॉट uh, प्रोसेस आपका ऐसा हो जाता है कि जब आप जोक कर रहे हो तो आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड एक चीज चल रही होती है कि किसी भी जोक के बीच में कोई एक आवाज आएगी और आपका जोक वहीं पर रुक जाएगा क्योंकि उन लोगों के साथ है कुछ की वो उन्हें पार्ट ऑफ देशन बनना है आप पे कई बार एक बात नहीं कर रहा हूं मैं मेरे जोक में क्वेश्चन था उसके बाद मैं ही आंसर दूंगा इसका जो कि जोक होगा तो वो करते वो वहां से सीख सीख के ऐसे हो गया अब जब अब आप स्टेज पे जाते हो तो अब आपको पता है कि कैसे हैंडल करना है और क्या ही बोल देगा आदमी बीच में कि इतना तो आप समझ में आ गया कि कितना ही कोई कितना भी ज्ञानी नहीं बैठा होगी कोई क्या बोल देगा आपको समझ में आता है आप उसे कंट्रोल कैसे करना है वो आपको ऑटोमेटिकली आ जाता है कई बार बहुत डिफरेंट तरीके की बात आ जाती है सामने जो आपको कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है किसी का जैसे आप ही अगर मेरे ऑडियंस में बैठे और मैं आपसे नाम पूछ लू और आप बोलो बादशाह तो ये एक बहुत डिफरेंट चीज है जो मैंने नहीं सोचू की क्योंकि मेरे बादशाह भाई कहलावा किसी का दोबारा कभी बादशाह नाम सुना नहीं है और उनका भी वो नाम नहीं है ठीक है अब अगर मैं और आप फर्स्ट रो में आप फर्स्ट रो में बैठे तो मैं और आप फिर पंद्रह मिनट बातें कर सकते हैं कि कैसे हुआ क्या हुआ कहां जैसे आप मुझसे सवाल कर रहे हो कि कैसे हैंडल करते हो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कहाँ से नाम आया क्या हुआ क्या हुआ, हुआ। तब तो एक आदत पड़ गई और एक वो हो गया फॉर्मेट बन गया बाकी मै आई डू ऑडिटोरियम शो जिसमें मैं दो हजार सीटर कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ उसमें मेरा मेरी पूरी पूरी कोशिश ही होती है कि मैं किसी से बात ना करूँ बिकॉज एक तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टेक्निकली स्टेज इतना बड़ा है आप स्टेज पे खड़े और उसके बाद ऑडियंस काफी दूर से बैठ रही है और फिर अंधेरा है और दो हजार लोग बैठे हैं तो आपको किसी से बात करने का लॉजिक है नहीं कैसा भी हाँ, कोई मुझे कहीं पर कर देता है मुझसे कोई जबरदस्ती बोलता है मुझसे कुछ तो फिर मैं क्राउड वर्क शुरू करता हूँ तो अच्छा, आपको बोला था कि यार बस्कर बस्सी मतलब ये नाम की क्या स्टोरी है जैसे आपका हैंडल है बी बस्सी लेकिन ये है बस्कर बस्सी ये तो मतलब कोई बोलता है ना यार बस्कर दे बस्सी तो ये किसने बोला था आपसे तो बिया बस्ती भी ऐसे ही मेरे किसी दोस्त ने ऐसे कभी कुछ बोल दिया था तो बिया बस्ती भी वहीं से आया था और बस्कर बस्ती भी मैं बता रहा था अभी किसी और को भी आशीष सोलंकी जो है जो कॉमिक्स कॉमिकस्तान थ्री का विनर है वो और मैं हम लोग ऑलमोस्ट सेम टाइम पे स्टार्ट किए थे हमने तो वो और मैं किसी उसमें जा रहे थे कोई कॉर्पोरेट शो में गुड़गा वहाँ पे मैं कैब में उसी के ऊपर कुछ जोक्स मार रहा था आपस में कुछ जोक्स जो, जो बहुत खराब जोक्स थे तो, तो उसने एकदम से बोला था बस्कर बस्ती तो वो बोलने के बाद हमें दो मिनट बाद रियलाइज हुआ कि यार ये तो अच्छा नाम है यार

अच्छा इतने सारे रोल्स आपने प्ले किए अपने लाइफ में अभी क्या होता है कि अगर मैं अपनी बात कर लू तो मिडिल क्लास फैमिली से जब आप आते हो तो बड़ा आसान नहीं होता है टू चेंज गियर्स मतलब जैसे आपने वकालत की पढ़ाई की फिर उसके बाद आप कह रहे हो आप भी रहे एंड फाइनली यू हैव बिकम अ सक्सेसफुल स्टैंड अप अपीडियन राइट तो हमारे पास ये ऑप्शन होता नहीं है कि गियर चेंज कर लो तो घर वालों से सपोर्ट था फुल कि हाँ भाई अनुभव कर जो कर रहा है घर वालों को बताओ मत कर नहीं, नहीं, नहीं अब नहीं। अब नहीं हाँ, लेनी ले <laughs> और क्या कि ये पता नहीं कब बंद हो जाए वो, वो देखो उन लोग आप कुछ नहीं कर सकते हाँ। इतना है कि वो लोग मेरे बहुत क्लोज उसमें से नहीं है जिससे मुझे अफेक्ट मैं अफेक्ट नहीं हो रहा उस चीज से पर हाँ मुझे दूर के लोग पता है कि में ये नहीं होता, तो मेरा, मैंने यही अप्रोच रखी थी कि मैं उन्हें बता के बोलूँगी देखो मैं यहाँ पे मेहनत करूंगा तो अब मुझे आपका सपोर्ट चाहिए तब तो तक तो मैंने उन्होंने बताया ही नहीं क्योंकि मुझे लगता है उसका कोई पॉइंट भी नहीं था कि मैं कोई नई चीज करने जा रहा हूं जिस में मुझे खुद नहीं आती वो करनी अभी मुझे खुद सब कुछ सीखना है तो अगर मैं ही श्योर नहीं हूं मैं ही सर्टन नहीं हूं उस चीज को लेके तो मैं क्यों अपने दिमाग में एक अपनी अपने अपने आप कि मैं खुद ही पिताजी को बोल ना एक ऐसी चीज करने जा रहा हूं जिसमें मुझे भी नहीं पता क्या होना है तो मैं क्यों डांट खाने का काम करूं जब मैं समझ लूंगा कि हाँ ये चीज यहाँ तक पहुंच गई है तब मैं उन्हें बताया कि देखो मैं ये चीज कर रहा था इतने दिन से ये है वो इसका ये रिजल्ट है आके आप देखो उन्होंने देखा वो समझ गए तो फिर हुआ ही नहीं वरना अगर मैं वो पहले से ही बता देता उनको फिर मैं हो सकता है मैं और एक मैं, एक साल डीले हो जाता कि एक साल तो मैं डाटी खाते रहता और हो सकता है मैं कभी ना कभी डिस्करेज हो ही जाता है तो छोड़ देता कि हाँ ठीक है ये नहीं करना बिकॉज उन लोगों की बात भी गलत नहीं है वो बिल्कुल बात है अगर आपने कोई पढ़ाई करिए तो जाके कर लो ना उस चीज में काम और मैं और मैं मैं, मैं कितना भी मजाक उड़ा लू अपना में कुछ भी कर लू आई आई वॉज नॉट अ बैड स्टूडेंट और एनीथिंग मैं अच्छे खासे नंबर वंबर लाने वाला आदमी हूँ मैं पढ़ लेता हूँ मुझे आता भी है मैं जान बुझे करते हुए मुझे नहीं मान कर रहा तो नहीं पढ़ रहे

बेसिक्स है सबसे पहले आप जाओ और जाके देखो कि ओपन माइक कैसे होते हैं पहले दूसरे कॉमिक्स के शो देखो जाके कि कोई इंसान जो शो कर रहा है फॉर एग्जाम्पल मैं ही हूं मेरा आप लाइव शो देखने आए हो आप शो के बाद हर कॉमिक जनरली हम शो के बाद सबसे मिलते हैं आप जाके मिलो अगर आपको करना ही हो आप जाके पूछो कि पहले तो कितने दिन से आप एक कर रहे हो आप जो ये शो कर रहे हो कितने दिन से कर रहे हो आज कितनी बार आपने कर लिया तो और आपको उस पर्टिकुलर पूरे एनवायरमेंट से क्या समझने को मिल रहा है आपको हो सकता है आपको पहली बार में देख के लगे कि यार ये नहीं बस की मेरे हो सकता है आपको देख के ही समझ में आएगी दो घंटे बोलना ही बस की नहीं है मेरे पहली चीज तो यही बिल्कुल बेसिक चीज उसके बाद आपको लगे कि अच्छा ठीक है ये प्रोसेस होता है ऐसे ये लोग परफॉर्म करते हैं तो वहां से आप शुरू करो फिर आप ओपन मैक्स में जाओ ओपन मैक्स में जाकर देखो कि कैसे एक नया जोक लेके एक ऐसा कमिटन जो दो स्पेशल निकाल चुका है जो दस वीडियो निकाल चुका है उसके बाद एक नया जोक लेकर आया और उस पर टैंक हो रहा है उस पर बॉम्ब हो रहा है लेकिन उसके बाद भी वो कंटिन्यू को रख रहा है फिर वो लाफ ले भी रहा है नया जोक क्रिएट कर रहा है बेसिकली उसका क्रिएटिव प्रोसेस देखो उससे बात करो ये एक डेढ़ महीने का एक्सपीरियंस लो कि कैसे स्टैंड अप चलता है कौन प्रोड्यूसर्स है कैसे वो प्रोड्यूस करते हैं कैसे लोग आते हैं लो है, कौन लोग आते हैं किस एज ग्रुप के आते हैं उससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरह का मटेरियल आपको ज्यादा लिखना है किस तरह से आप स्टार्टिंग से अपने आपको ऐसा मटेरियल लेके आप लिखें कि लोग रिलेट करके उस उसपे हंस सके ताकि आप शुरू में ना ना हो हो जाओ जाओ आप आप ऐसा कि लेकर आ शुरू में जोट के एस्ट्रोनॉट के बारे में बात करूंगा और आपको अगर यही नहीं पता कि ऑडियंस तो टीसीएस की आई हुई है ना यार उसे नहीं सुनना एस्ट्रोनॉट की क्या बातें हैं क्या है या आप डार्क ह्यूमर लिख के ले जाओ और आपको पता चले कि इस पर्टिकुलर रूम में जहां पे मैं ओपन माइक में आया हूँ यहाँ पर तो आस के लोग आते हैं जिनकी एज ही चालीस से पचास साल है वो खुश अंकल आंटी आते हैं ना डार्क ह्यूमर नहीं सुनना तो फिर आपका एक चेंज होगा ना उस चीज को लेके पहले आप एक डेढ़ सर्किट में घूमो सर्किट में घूमकर बदलेंगे परफॉर्म करूंगा और ये चीज रियलाइज होना चाहता है कि आपको इनिशियली चार या पांच मिनट ही मिलेंगे आप चार मिनट से शुरू करेंगे पांच जाएंगे सात जाएंगे दस जाएंगे तब होते करते करते दो साल तीन साल में जाके आप अपने एक दो घंटे का स्टेज टाइम ले पाएंगे कुछ है लोग जिनको एक बेसिक ये चीज नहीं पता है कि सीधा जाके माइक हाथ में लेके एक घंटे का शो नहीं कर सकते आप कोई देगा नहीं आपको पहली बात तो वो स्टेज नहीं मिलेगा आपको और मिल भी गया तो आप एक घंटे के लिए फनी हो गए नहीं तो वो अपने साथ ही गलत कर रहे हो तो इट्स नॉट लाइक यू हैव टू गो बाय द बुक एवरी टाइम बट इस चीज में एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप जाओगे तो बेटर होगा सब ऐसे ही गए कोई भी ऐसे एक रात में कोई कुछ नहीं बनाया मेरी भी पहली वीडियो डालने से दो साल से पहले से मैं वही कर रहा था तो वो है बस वहां से शुरू करोगे अब एक बार सर्किट करोगे बहुत रास्ते खुद पे खुद खुलते चले जाएंगे और बहुत प्यारी है कॉमिक्स की, कोई किसी को डिस्करेज नहीं करता है तो भाई ये जोक बहुत फनी था अगले ऊपर माइक में मिलते हैं तो वो आप कभी डिस्करेज होकर नहीं, जाओगे, कोई ये नहीं गया बिल्कुल नहीं एक बंदा नहीं बोलेगा कभी जब आपने स्टार्ट किया था आपको अपना पहला था क्लब आ, दो हजार सत्रह गुड़गांव और मैं एक, एक इंटरव्यू तो, तो मैं गया ऐसा था बहुत ज्यादा तैयार था पता है मैंने वो सूट वूट पहना था ऐसा लग रहा था कि मैं कोई बहुत ही तगड़ी कॉर्पोरेट जॉब से आया हूँ पेन वैन भी लगा रखा था तो उसका एक फोटो भी शायद मुझे याद नहीं तो जब मैं गया था वो करने तो काफी प्यारा माहौल था ओपन माइक ही था और राघव मंडावा हमारे बहुत सीनियर वो होस्ट कर रहे थे बाकी दस लड़के आए हुए थे आ, उसमें आ, क्या बोलते हैं ब्रिंगर बोलते थे हम लोग अपने साथ एक बंदा लेके जाओगे वो सारे लोग हम बैठे हुए थे क्या परफॉर्म बताया अच्छा खासा किल भी हुआ चार मिनट मिले थे चार मिनट में एक मिनट तो मेरा इसमें निकल गया कि लाइट थोड़ी कम कर दो तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा और मुझे मेरी आवाज़ बहुत ज्यादा तेज आ रही है कुछ कुछ इसमें निकल गया फिर तीन मिनट में मैंने कुछ कुछ लाफ लेके मैं उतर गया मुझे पसंद आया मजा आया उसमें करने में तो फिर उसके बाद जो रोहित भाई मेरे अभी मैनेजर है वो कैनवस में होते थे उस टाइम पे उन्होंने मुझे बोला शो के बाद अच्छा था तू अगले ओपन माइक में मिलते हैं तो बस फिर वहां से शुरू हुई जन तो करते रहे फिर तो हर ओपन माइक में जाते रहे और हर रोज मजा उस समय मतलब सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट किस कॉमिक से मिला था जो आप आज तक आपको मोटिवेट करता है

एक ऐसे कॉमिक के लिए ओपन कर लिया एंड ही सेट कि अच्छा कर रहा है उसने शो के बाद मुझे सुना भी शो के बाद बोला भी था कि अच्छा कर रहा है मजा आया और उपमन्यु मुझे बहुत पसंद है हमेशा से बाकी स्टोरी मैं करता हूं और मेरे स्टोरी टेलिंग जो मैंने कहीं से जिसकी हिम्मत जुटाई है कि स्टोरी टेलिंग भी कर सकते हैं विद सर्टन अमाउंट ऑफ जोक्स इन इट तो मैंने जाकर वैसे सीखा है तो वहां से सीख के मैंने तो वो कॉम्पलीमेंट हर बार मुझे जब भी मिले मुझे पहला या दूसरा कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा कि अच्छा गया तो वो मेरे लिए एक, एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जो मैंने एक खिड़की में रख दिया अपनी उपमान्यु से मिला की हाँ ये अच्छा है आ, सुमित भाई से मिला बाकी जो मुझे सबसे बड़ा लगता है वो एक्चुअली आज भी रोहित भाई के लगता है क्योंकि रोहित भाई से पर्सन जिसने जो कैनवस के टेक रूम में बैठ के उसने हर एक कॉमिक को परफॉर्म करते हुए देखा है हर एक कॉमिक मतलब हर एक कॉमिक तो उनको उनको जोक्स के बारे में बहुत ज्यादा पता है कैसे लैंड होते हैं और किसका कौन सा नहीं होता है कब नहीं होता है किस दिन तुमने अच्छा किया किस दिन खराब किया वो इंसान आपको आगे बोलता है कि अच्छा था आप दोबारा आना तो वो बड़ा कॉम्प्लीमेंट है अनुभव वन फाइनल क्वेश्चन बिफोर वी रैप अप दिस इंटरव्यू देखिए हर दिन ना मूड अलग होता है इमोशन अलग होता है इंसान की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ भी अलग अलग होती है एक जो हम आपको स्टेज पे देखते हैं एक जो आप अपनी निजी जिंदगी में होते हैं जो किसी को नहीं दिखती है राइट right? तो हर दिन मूड के हिसाब से हमारा माइंड भी रहता है लेकिन मान लीजिए किसी दिन मूड खराब है लेकिन आपको स्टेज पे जाकर परफॉर्म करना है लोगों को हंसाना भी है तो हाउ डू यू पुल दैट ऑफ वो कैसे करते हैं सर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जितनी भी आपके दिमाग में जो भी चल रहा है ना वो उसका ग्रेड जो है वो रोज चेंज होता रहता है जैसा आप बोल रहे हो कि आज मेरा मूड खराब है मैं मैं पहले भी भी, भी बोल रहा था फॉर एग्जाम्पल मूड खराब से भी ज्यादा ना कभी कभी बॉडी में एनर्जी नहीं होती परफॉर्म करने की तीन फ्लाइट पकड़ के आप कहीं पहुंचे हो डिले गई है फ्लाइट शो से शो के बीच में एक ही घंटा बचा है होटल पहुंचे हो फटाफट से चेंज किया है और अब आप स्टेज के पास आके खड़े हो गए हो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जो ऑडियंस जब आपको पहली बार जब वो ताली बजा के वो चिल्लाते हैं ना वो एनर्जी इतनी पॉजिटिव है कि वो जैसी आपकी तरफ आती है आपके दिमाग से सब गायब हो जाता है आप उनके हो जाते हो वो आपके हो जाते हैं फिर अगले दो घंटे तक कुछ नहीं पता आपको कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है मेरे साथ क्या क्या चल रहा है मैं कौन आदमी हूं अभी किस समस्या से आया था कुछ नहीं याद रहता वो दो घंटे आप परफॉर्म करते हो ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि उस दो घंटे के बाद वो चीज याद नहीं आती आप उतरते हो वापस ग्रीन रूम में जाते हो आपको एकदम से याद आता है खाने नहीं तो मैंने मैं भूखा भी तो हूँ वो लेकिन कभी स्टेज पे नहीं आता तो इसलिए वो मेरे परफॉर्मेंस में कभी चेंज नहीं होता मेरे एक्ट्स में कभी चेंज नहीं होता वो बिल्कुल सेम रहता राइट सो थैंक यू अनुभव हमें अपना टाइम देने के लिए अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए इट वॉज सो मच फन टॉकिंग टू यू ऑन दिस जूम कॉल एंड हम आशा करते हैं कि आपका स्टैंड अप स्पेशल अपल प्राइम वीडियो पे सब देखें बस कर बस्सी एक फेब को आ जाएगा और अगर ये एक फेब के बाद इंटरव्यू आप देख रहे हैं तो ऑलरेडी आ चुका है जाइए देखिए इंजॉय कीजिए ये भी बोलना पड़ता है बस्सी भाई पता नहीं वीडियो कब प्रोड्यूस होकर निकलेगा बट थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए एंड आप ऐसे ही हंसाते रहे ऐसे ही मचाते रहे एंड बस मत करना बस बस करता रहे बस्सी थैंक थैंक यू यू सो मच Thank you, Sir. Take Thank you.